Hey guys, my name is Gaurav. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांच अपग्रेडेशन के बारे में। तो आप में से काफी लोगों के कॉलेजेस स्टार्ट हो गए होंगे, हो सकता है आपकी जो मनपसंद ब्रांच थी वो अभी तक आपको ना मिली हो। तो आप में से काफी लोगों ने ये कहते सुना होगा कि अपनी फर्स्ट ईयर के दौरान काफी अच्छी मेहनत करो जिससे कि आपकी जो ब्रांच है वो अपग्रेड हो सके। तो इसी के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिससे कि हम अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर सकते हैं इन टीयर वन कॉलेजेस के अंदर। सो टीयर वन कॉलेजेस कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि IIT हो गया, NIT हो गया, IIIT हो गया, NSIIT, DTU, राइट। तो इन कॉलेजेस की बात करेंगे। अगर आप इन कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज में हो तो भी यार अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिससे आपको पता चले कि वहाँ पर अपग्रेडेशन होती है या फिर नहीं होती, और चांसेस है कि होती होगी, राइट। क्योंकि यार हमारी वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं जब हमारे फर्स्ट ईयर के बाद, तो उन सीटों को भर दिया जाता है अपग्रेडेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे IITs की। चाहे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे जो क्राइटेरिया होते हैं कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं। क्योंकि यार जो हमारे क्राइटेरिया होते हैं वो कोई एक ऑफिशियल नहीं बनाता कि सारे कॉलेजेस के लिए सेम होगा, वो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है पर्टिकुलर कॉलेज का वो बनाते हैं, जिससे कि वो हमारे कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं, राइट। तो अगर मैं IITs और IIITs की बात करूँ तो इनमें भी कुछ वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी अलग अलग कॉलेजेस के अंदर। लेकिन फिर भी अगर मैं अगर तीन जनरलाइज फैक्टर बताऊँ जिन पर हमारी डिपेंड करेगी कि हमारी ब्रांच अपग्रेड होगी कि नहीं, तो वो यार बेसिकली तीन होते हैं। सो नंबर वन जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा वैकेंट सीट्स, मतलब कि हमारे पास वैकेंट सीट्स होनी चाहिए जिससे कि हम उसमें अपग्रेड कर सकें। तो सीटें खाली नहीं होंगी तो आप उसको भरोगे कैसे, राइट। लेकिन यार कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि वो स्पेशली कुछ सीटों को रखते हैं जिससे कि उसमें अपग्रेडेशन हो गए। लाइक मैं IIT मद्रास की बात करूँ तो वहाँ पर 10% सीटों को रखा जाता है ओनली फॉर द अपग्रेडेशन, तो वहाँ पर काफ़ी सारे चांस होते हैं हमारे कि अपग्रेड हो सके। फिर जो सेकंड फैक्टर होता है वो होता है हमारा CGPA या फिर CPI। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी CGPA मेंटेन करके रखनी पड़ती है अपने फर्स्ट ईयर के दौरान जिससे कि आपकी जो ब्रांच है अपग्रेड हो सके। लाइक अगर मैं बात करूँ तो आपको 8.5 to 9 CGPA एटलीस्ट ये होगा जिससे कि आप सिर्फ उसको फॉर्म को भर सको कि हाँ मेरे को अपग्रेडेशन करनी है, राइट। और अगर मैं स्पेसिफिकली अगर CS की बात करूँ तो CS में यार आपको 9.8 से लेकर 10 CGPA तक भी चाहिए होगी, और 10 CGPA आने के बावजूद भी हो सकता है आपको जो सीट है वो ना मिले। वो क्यों नहीं मिले आप तो सोचोगे कि मतलब 10 CGPA आने के बाद भी नहीं मिले, क्योंकि मतलब टॉपर हूँ, सबसे मेरे हाइएस्ट हैं। तो उसके अलावा भी कोई फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हमें मिलेगी सीट या फिर नहीं मिलेगी, तो वो फैक्टर हम आगे देख रहे होंगे। सो थर्ड फैक्टर आता है हमारा कैटेगरी। सो कैटेगरी इन द सेंस कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चे ने कोई सीट छोड़ी है तो उसी कैटेगरी का बच्चा उस सीट को भर सकता है। सो लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर कोई OBC कैटेगरी का बच्चा जिसने कोई सीट छोड़ी है तो OBC वाला ही उसको भर पाएगा। अगर आपके 10 CGPA भी हैं, अगर आप जनरल के हो तो आप नहीं भर सकते। सो इन तीन फैक्टर के अलावा भी एक और फैक्टर होता है जो हमें डिटरमाइन करता है कि हमारी सीट अपग्रेड होगी या फिर नहीं, वो होता है हमारा 10% रूल। 10% रूल भैया वो एनवायरनमेंट वाला, जहाँ पर हम कहते हैं एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सो 10% रूल क्या करता है कि हमारी ब्रांच के जो 10% होगा उससे सिर्फ 10% ज़्यादा सीटें हो सकती हैं, 10% कम हो सकती हैं, उसी बीच में ये सीटें हमारी लाइक कर रही होंगी। जैसे इसको मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ, मान लीजिए आपके पास कोई ब्रांच है जिसके अंदर 200 सीटें हैं, तो इसका 10% हुआ हमारा 20। तो इसमें 200 से सिर्फ 10%, मतलब कि 20 सीटें और ऐड हो सकती हैं या फिर 20 माइनस हो सकती हैं। तो 180 से लेकर 220 तक ही इसमें सीटें होंगी, उससे ज़्यादा भी नहीं जा सकती 220 से, और 180 से कम भी नहीं हो सकती। तो वहाँ पर एक बाउंड्री आ गई जिससे इसी के अंदर आपकी सीटें होंगी, तो वहाँ पर मतलब कि आप ज़्यादा भी नहीं भर सकते और ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते। तो यही एक फैक्टर बन जाता है, एक बाउंड्री आ जाती है जिससे कि हमारी जो सीटें हैं वो लिमिटेड ही ऐड हो पाती हैं, मतलब कि लिमिटेड ही लोग उसमें अपग्रेड हो पाते हैं। तो यही एक रीज़न था जिससे कि हमारे 10 CGPA आने के बावजूद हमारी जो सीट है वो अपग्रेड नहीं हो पाती। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे IIITs की। सो IIITs में आपको ये चीज़ पता होगी कि हमारी वहाँ पर सिर्फ टेक ब्रांचेस ही होती हैं। टेक ब्रांचेस मतलब कि CS, IT या फिर EC। तो वहाँ पर इतनी नीड फील होती नहीं है कि हमारी अपग्रेड करनी हो, क्योंकि हमारा जो टेक पार्ट होता है वो तो हमें पढ़ाई दिया जाता है, राइट। लेकिन फिर भी अगर मैं IIIT दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पर सीट अपग्रेडेशन होती है, क्योंकि यार हमारे यहाँ पे CS के अंदर भी काफ़ी सारे ब्रांचेस होती हैं, तो वहाँ पर सीट अपग्रेड हो जाती है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, नंबर वन तो हमारा वही वैकेंट सीट्स का कि हमारे पास वैकेंसीज होनी चाहिए जिससे कि हम उसको अपग्रेड कर सकें। सेकंड क्राइटेरिया होता है हमारा CGPA। CGPA इस तरीके से होता है कि मान लीजिए आपको CS में जाना है तो CS से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हो गया या फिर हमारा DSL को हो गया, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। अच्छे इन द सेंस कि हमारा B+ होना चाहिए, अगर मैं स्पेसिफिकली IIIT दिल्ली की बात करूँ तो। तो ये यहाँ पर कैटेगरी होता है कि आपसे जो आपको ब्रांच चाहिए उससे रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। वहीं मैं EC की बात करूँ तो EC से रिलेटेड जो भी आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं NSIIT DTU की। तो NSIIT DTU में भी यार नंबर वन फैक्टर तो वही रहता है कि हमारे पास वैकेंट सीट्स होनी चाहिए जिससे कि हम उनको भर सकें। नंबर टू फैक्टर है हमारा CGPA नहीं होता, हमारा JEE रैंक होता है। जब आपने एडमिशन लिया था उस समय पर जो आपकी रैंक आई थी वो वाली रैंक, क्योंकि बच्चों का डाउट होता है कि क्या मैं दोबारा JEE अटैम्प्ट देकर अच्छी रैंक लाकर उसके अकॉर्डिंग अपग्रेडेशन कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। जब आपकी
एडमिशन हुआ था उस समय पे जो आपकी रैंक आई थी उसी से आप अपग्रेडेशन कर पाओगे। तो लगभग मैंने सभी IIT, IIIT, NSIIT, DTU, NITs इन सभी की बात कर ली है। एट लास्ट यार मैं यही चीज़ बोलूंगा कि आप अपने फर्स्ट ईयर के दौरान काफ़ी अच्छी तरह मेहनत करना कि आपकी जो ब्रांच है वो अपग्रेड हो सके, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपकी करंट ब्रांच है उसके साथ भी आप सेटिस्फाई होने चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम पॉसिबिलिटी देखें हमारी ब्रांच अपग्रेडेशन की तो वो काफ़ी कम होती हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। काफ़ी कम बच्चों की सीट अपग्रेड हो पाती है, तो अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होगी तो आप डीमोटिवेटेड जाओगे कि यार मैं ये क्या अपने ब्रांच में मतलब क्या पढ़ रहा हूँ। तो उस तरीके से आपका फीलिंग ना हो, तो आपको सेटिस्फाई भी रहना अपनी सीट से और अपनी पूरी मेहनत करनी है ताकि आपकी सीट अपग्रेड हो सके। लाइक अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ DTU की, तो वहाँ पर लास्ट ईयर हमारे 30-40 बच्चों की सीट अपग्रेड हुई थी फर्स्ट ईयर के बाद, और हमारे यहाँ मतलब कि 14-15 ब्रांचेस हैं, तो अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा होती नहीं है अपग्रेडेशन की, राइट। वहीं अगर मैं कुछ कॉलेजेस की बात करूँ जहाँ पर जैसे कि मैंने IIT मद्रास बताया, वहाँ पर कुछ सीटों को स्पेशली रखा जाता है, लेकिन यार वो सब कॉलेजेस का केस नहीं होता है, वो एक्सेप्शनल केसेस में उनको मान सकता हूँ, राइट। तो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मेहनत करनी है और उसको गैप करने की कोशिश करनी है। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।